राम राम दोस्तों। तो हमारे ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है खाटू श्याम से ही। तो दोस्तों जहाँ पे हमने होटल लिया था, जो कि रूम लिया था वो यही लोकेशन है दोस्तों, आप देख रहे हो जहाँ पे हमने रूम लिया था। और दोस्तों हमें बहुत अच्छा और मस्त अपनी नाइट भी हमारी गुजर गई। और दोस्तों फिर एक और नया ब्लॉग चालू कर दिया। तो दोस्तों सुबह का टाइम है तो ताज़ा धूप ले रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छी धूप निकल रही है। ओके, आप सभी को गुड मॉर्निंग है हमारी तरफ से, राम राम है दोस्तों, और बोलो जय श्री श्याम खाटू। तो दोस्तों देखते हैं, एक बार तो हम दर्शन करके आ चुके हैं खाटू श्याम के, फिर शायद जाते हैं खाटू श्याम दर्शन करने के लिए और दिखाएंगे आपको दोस्तों कि खाटू श्याम। वैसे आपको पिछले वाले ब्लॉग में नहीं देखा हो तो देख लीजिए, खाटू श्याम को हमने दिखाई है। तो दोस्तों अब फिर दिखाएंगे। ओके दोस्तों, फिर बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में और एंटरटेनमेंट ऐसे लेते रहिए। दोस्तों लोकेशन जाके अच्छी है, देखो ना दोस्तों, देख रहा सूरज निकल रहा है सुबह सुबह। और देखो दोस्तों यहाँ पे दीवार है ना पत्थरों की बनी हुई है, हमारे यहाँ तो पत्थर देखने के लिए भी नहीं है यूपी में। और राजस्थान में देखो पत्थरों की दीवार है सारी, देखो बाउंड्री वगैरह, और जो कि घर पर ही होते हैं ना वो भी देख लो आप, वो भी सभी बाउंड्रियाँ जो कि पत्थरों की होती हैं दोस्तों। राजस्थान में पत्थर एक पैदाइश ही है, तो देख रहे हैं आप बहुत ही अच्छे मजबूत घर बनते हैं दोस्तों राजस्थान में। हमारे यहाँ तो ईंट है वो भी कच्ची मिलती है। चलो दोस्तों आगे दिखाते हैं। ओके दोस्तों अभी रूम पे चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम रेडी हो चुके हैं नहा धो करके, और देखो शाम को परसने के लिए गए थे खाटू श्याम को, और अब भी जा रहे हैं। तो दोस्तों हम आज इस रूम में रुके थे एक रात, तो दोस्तों यादें जुड़ी रह जाएंगी हमारी, क्योंकि आज हम इसे खाली करके चले जाएंगे, क्यों प्रिया जी? हाँ दोस्तों। तो बस हमारी यादें रह जाएंगी इस रूम में, कि जब भी कभी आएंगे तो हमारी यादें रहेंगी कि हम इस रूम में रुके थे। तो दोस्तों हमें यादें रहेंगी यहाँ पे, और दोस्तों हम निकल जाएंगे आज, अब नहीं आएंगे इसमें। ओके हैं प्रिया जी? हाँ। अब हमारा सामान रखा है सो अभी उठा के सभी को ले जा रहे हैं, फिर निकल जाएंगे दोस्तों, फिर नहीं आएंगे इसमें। ओके तो धन्यवाद करते हैं इस घर वालों को, इनको, जिन्होंने हमें रुकने के लिए पैसे तो लिए थे दोस्तों, पर अच्छा लगा हमें यहाँ पर रह के, इतनी माहौल अच्छा। ओके फिर चलते हैं दोस्तों, क्यों प्रिया जी चले? चलो। तो देख लो दोस्तों ये रूम था, कभी भी आप आओ देखना। ओके गाइस फाइनली निकल आए हैं रूम से, और आप चल रहे हैं फिर दोबारा से खाटू श्याम को परसने के लिए। तो दोस्तों बहुत मजे आए और दोबारा परसेंगे, इंजॉय फिर करेंगे। ओके तो चलते हैं, क्यों प्रिया जी? और दोबारा पसने का मौका मिला ना। हाँ। तो दोस्त अच्छा लग रहा है बहुत। और यहाँ पे रुक कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, फाइनली में तो बहुत अच्छा लगा। पैसा तो बहुत खर्च कर आया है, दबा के मोर लिए, पर चलो ठीक है, कोई नहीं दोस्तों, बोलने वाली क्या है, होटल रिसर्च चेंज करा दी हमने, स्पेशल खाई। हेलो दोस्तों, तो चल रहे हैं और खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए। हे गाइस, तो फाइनली अभी शाम से बहुत काफ़ी भीड़ है, शाम को दर्शन करके आए थे ना जब इतनी भीड़ नहीं थी, पर अब ज़्यादा भीड़ हो गई है, और चलते हैं दोबारा फिर खाटू श्याम के दर्शन करेंगे, और विद फैमिली के साथ हैं दोस्तों, फैमिली भी साथ ही है, तो चलते हैं, बोलो जय श्री खाटू श्याम की जय। गाइस तो फाइनली आ चुके हैं खाटू श्याम में, जो कि कुंड है, आप देख रहे हो नीचे कुंड है, तो इसमें लोग स्नान कर रहे हैं और हम तो स्नान करके आए हैं। तो दोस्तों पर चलते हैं नीचे दिखाते हैं। ओके दोस्तों देखो सभी दोस्तों दोबारा दर्शन करने के लिए आए हैं फिर से। ओके चल रहे हैं और काटो श्याम के जय। तो दोस्तों खाटू श्याम का आ गए दर्शन कर रहे हैं, खाटू श्याम की जय, खाटू बाबा की जय। ठीक है हे गाइस, तो फाइनली निकला है खाटू श्याम से, अब जा रहा है सीधे घर, टम्बू कर लिया। ये भैया है, कैसे भैया? बस ये खाटू श्याम के भैया है जो कि यहीं पर ऑटो चलाते हैं, और चलते हैं दोस्तों फिर आप सीधे अपने यूपी आगरा। ओके चला
फाइनली आने वाले हैं, बस आगरा आ चुकी है। तो 9 बज गए दोस्तों, आगरा आ गए, बस थोड़ी देर में अपने पहुंचने वाले हैं। ओके दोस्तों, आज का सफर हमारा यहीं तक होता है। ओके, फाइनली आ गए, पूरा सफर हो गया हमारा।